स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल पर। आज की जो वीडियो है वो काफी खास होने वाली है, खास करके टीचर्स के लिए या फिर कोई भी अथॉरिटी, कोई भी इंस्टीट्यूट जो अपने सेल्फ असेसमेंट करवाना चाहता है, कोई भी कोचिंग सेंटर, उसके लिए आज की वीडियो काफी खास है। आज मैं आप लोग को बताने जाने वाली हूँ कि कैसे हम ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे अपने क्वेश्चन पेपर्स तैयार कर सकते हैं, वो भी कुछ चुटकियों में। यानी आज मैं आपको सिखाने वाली हूँ कि जो आपके असेसमेंट्स होते हैं या फिर कोई भी मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, शॉर्ट आंसर क्वेश्चंस, जो भी आप लोग प्रिपेयर करते हैं अपने स्कूल्स के लिए, उनको आप इजीली कैसे तैयार कर सकते हैं और आपको बिना प्रॉब्लम के आप उसमें मार्किंग इंसर्ट कर सकते हैं, करेक्ट आंसर फीड ऑन कर सकते हैं। क्योंकि देखो, इतना सारा काम पर्टिकुलरली चेक करने से बढ़िया है जब अगर हमारे पास ऑनलाइन सुविधा उपलब्ध है तो क्यों ना हम उसका फायदा उठाएं। तो आज मैं आपको वीडियो में समझाऊंगी कि कैसे हम ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे अपने क्वेश्चंस पेपर तैयार करते हैं और कैसे उसमें मार्किंग दी जाती है और कैसे उसके मार्क्स इवैल्यूएट होके आपको एक प्रॉपर स्प्रेडशीट बन जाती है और आपके पास पूरी एक बच्चों की स्प्रेडशीट होती है जिससे आप इजीली अपने मार्क कैलकुलेट करके अपने जो भी डॉक्यूमेंट्स होते हैं वहां फीड ऑन कर सकते हैं। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखें और अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है और आप चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को लाइक, शेयर और सबसे इम्पोर्टेंट सब्सक्राइब करना ना भूले। तो चलते हैं मोबाइल की स्क्रीन पर, मैं सिखाती हूँ आपको कैसे आप इजीली चुटकियों में अपना ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे क्वेश्चन पेपर सेट कर सकते हैं अपने स्टूडेंट्स के लिए। गूगल इंटरफेस पे जाके या कोई भी वेब ब्राउजर पे जाके आपको टाइप करना है गूगल फॉर्म, पूरा स्पेलिंग एज इट नोट करिए आप, या फिर आप गूगल फॉर्म सिंपल भी डाल देंगे तो आप उसका आ जाएगा। जैसे आप गूगल फॉर्म इस पर इंसर्ट करते हैं आपको कुछ इस तरीके की स्क्रीन अपेयर हो जाएगी आपके सिस्टम पे। अगर आप फ़ोन से कर रहे हैं तो आपको इसको डेस्कटॉप वर्जन पे करना पड़ेगा, या फिर अगर डायरेक्टली आप अपने डेस्कटॉप या सिस्टम पे कर रहे हैं तो उसमें कोई नीड नहीं होती। फिर जब आप इसमें इस तरीके का इंटरफेस देखोगे तो आपको इस तरीके का दिखेगा जिसमें गूगल फॉर्म्स और नीचे ऑप्शंस भी होते हैं कि अगर आपको कैसे क्रिएट करना है, अलग अलग उसके बारे में डिटेल्स जो भी वीडियो से रिलेटेड हो, उस पॉइंट से रिलेटेड हो, आपको इस इंटरफेस पे मिल जाता है। ये जो आपको स्क्रीन अपेयर होती है इसमें सबसे पहले आपको क्या करना है, जो आपको ये गूगल फॉर्म वाला है फ्री ऑनलाइन सर्वे, इसको क्लिक करना है। जैसे ही आप इसको क्लिक करते हो आपके पास इस तरीके का इंटरफेस होगा जहाँ पर एक तरफ पर्सनल होगा और एक तरफ आपका बिजनेस होगा। उसके बाद आपको क्या करना है, आप जैसे ही देखोगे इस तरीके की स्क्रीन आपके सिस्टम पे अपेयर हो जाएगी, आपको गूगल फॉर्म का जो पर्सनल वाला है उसको क्लिक करना है, जो गो टू गूगल फॉर्म है। आप जैसे ही उसे क्लिक करते हो आपके पास इस तरीके की इंटरफेस हो जाएगी, क्योंकि मैंने इस पे ऑलरेडी पेपर्स बनाए हुए हैं तो मेरे पास ये ऐसे शो हो रहा है, लेकिन आपके लिए ये पूरी स्क्रीन ब्लैंक होगी और आपको इसमें ऐड ऑन करने होंगे अपने पेपर्स। वो कैसे करोगे अब मैं वो आपको सिखाऊँगी। यहाँ पे जो ये है ये अलग अलग टैम्पलेट्स हैं, आप इसमें जैसे भी बना सकते हैं, कोई इनविटेशन हो, कोई इवेंट का रजिस्ट्रेशन करना हो, कुछ भी टाइम स्लॉट डालने हो अलग अलग अपने, ये सारा आपको गूगल के टेम्पलेट पर मिल जाता है। यहाँ पे जो टॉप पे आपको स्क्रीन दिखती है उसमें साइड पे लिखा रहता है गूगल टेम्पलेट्स करके, आप उसको क्लिक करोगे तो आपको इस तरीके का इंटरफेस आपको दिख जाएगा। जैसे अब आपके अपने क्वेश्चन पेपर स्कूल के लिए या कोई भी असेसमेंट सेट करना होता है तो आपको इसमें सबसे पहले क्या करना है, आप जैसे ही इसको ऑन करोगे इसमें ऊपर जाते ही आपके पास इस तरीके की ब्लैंक स्क्रीन होगी। तो जहाँ पे आपको ब्लैंक पोर्शन दिख रहा है ना, या प्लस वाला, इसको क्लिक करते ही आप जब इसको क्लिक करते हो तो इस तरीके का इंटरफेस आ जाता है। इस तरीके की स्क्रीन आपके डेस्कटॉप पे या सिस्टम फ़ोन पे आप इसे किसी से भी एक्सेस कर सकते हो आ जाता है। अब ये सबसे पहले यहाँ पर अलग अलग टाइटल्स आ सकते हैं आप अपने अकॉर्डिंग, अगर आप स्कूल के लिए कर रहे हो या किसी के लिए भी। ऊपर जो ये अलग अलग आइकन्स दिए गए हैं इससे आप देख सकते हो, इसमें अलग अलग आप एडिटिंग डाल सकते हो, इसमें थीम डाल सकते हो, इसका प्रीव्यू देख सकते हो, इसमें सेटिंग्स देख सकते हो कि वो कैसा लगेगा। ये इसका प्रीव्यू है अभी, बिकॉज इसमें कुछ टाइप नहीं है तो ऐसा दिख रहा है आपको। जब क्वेश्चन पेपर सेट हो जाएगा तब आपको मैं दिखाऊँगी कि कैसा होता है। उसके में इसमें सेंड का ऑप्शन होता है, राइट साइड में आपकी आई डी मैंशन होती है। अब हम अगर इसके क्वेश्चन की बात करें कि कैसे क्वेश्चन पेपर सेट करना है, तो सबसे पहले यहाँ पर जो आपका ये अनटाइटल फॉर्म में, इस पे आप जाके डबल टैप करके इस स्क्रीन में जो ये
टेक्स्ट अपेयर हो रहा है इसको आप डिलीट करते हो, और उसके बाद आप यहाँ पे कुछ भी हेडिंग मेंशन कर सकते हो। जैसे मैं यूनिट टेस्ट डाल रही हूँ, आप अपने कोई भी असेसमेंट का, सेल्फ असेसमेंट, सबमिटिव, फॉर्मेटिव या कुछ भी आप एड ऑन कर सकते हो। ये ऑटोमेटिकली आपके ड्राइव पे सेव होता रहता है, तो आपको चेंज में अलग से एक्स्ट्रा सेव करने की नीड नहीं होती। फिर उसमें जब आप अपने नीचे वाले लाइन में आप कुछ भी एड ऑन कर सकते हो अपने अकॉर्डिंग। जैसे मैंने इसमें लिख दिया है कि ऑल क्वेश्चंस आर कंपलसरी टू अटेम्प्ट। ये सब करने के बाद इस तरीके का इंटरफेस देखेगा, इस तरीके की स्क्रीन होगी जहाँ पे आप देखोगे कि ये आपका मेन पार्ट था। ऊपर वाले पार्ट को आप एड ऑन भी कर सकते हो अगर आपको दो तीन हेडिंग्स देनी होती हैं। अब यहाँ से हमारे क्वेश्चन पार्ट शुरू होते हैं। आप देख सकते हैं जहाँ पे ये अनटाइटल्ड क्वेश्चंस है, यहाँ पे आप अपना क्वेश्चन टाइप कर सकते हैं और नीचे आपके पास ऑप्शंस होते हैं। जैसे मैं इसमें फर्स्ट क्वेश्चन टाइप कर रही हूँ कि दैट व्हाट इज़ द फुल फॉर्म ऑफ एमपी, यानी फुल फॉर्म एमपी की क्या है। फिर आप देखेंगे कि बगल में एक ऑप्शन है ब्लॉक के अंदर जहाँ पे मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस करके लिखा पड़ा है, वो भी मैं आपको समझाऊंगी कि हम कैसे मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन सेलेक्ट करेंगे, कैसे अलग अलग। इसमें आप देख सकते हैं आपको शॉर्ट आंसर, पैराग्राफ, चेक बॉक्स, अलग अलग मेथड्स के क्वेश्चंस आप टाइप कर सकते हैं। जैसे ये मल्टीपल वाला है तो मैंने मल्टीपल करा है पहला ऑप्शन। अब यहाँ पे हमारा ऑप्शन वन है, मैं ऑप्शन वन में इसका आंसर फीड ऑन कर रही हूँ। मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट, या फिर आप ये MPs के लिए बोला जाता है, या फिर आप मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, इसका अगर एस रिमूव हो जाता है तो ये सिंगुलर में काउंट होता है। और फिर जैसे अगर हम नीचे कुछ भी ऑप्शन फीड ऑन कर देते हैं, ये बस एक एग्जांपल पर्पस से है, तो इसमें आप ये मत देखिएगा कि प्रॉपर करेक्ट उसका करेक्ट है या नहीं है, इट्स जस्ट एन एग्जांपल पर्पस। इसमें आप इसमें डालते हैं, इसमें आप अपने थ्री कैसे भी ऑप्शंस आपको जो लगते हैं आप उसके हिसाब से चेंजेस कर सकते हैं। अगर आपको लग रहा ऑप्शंस आपको कैसे फीड ऑन करने हैं, रॉन्ग करने हैं, राइट करने हैं, फिर जैसे जैसे आप नीचे अदर में क्लिक करते हो आपका ऑप्शंस एक और जनरेट होता जाता है, उसमें आप अपने ऑप्शंस और एड ऑन कर सकते हैं। जैसे मैं इसमें दो ऑप्शंस मैंने फीड ऑन कर दिए हैं, अब मुझे यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन अगर अटेम्प्ट करना है तो आप देखोगे राइट साइड में ये जो प्लस का साइन है सर्कल के अंदर, इसको जैसे ही आप क्लिक करते हो, इसको क्लिक करने के बाद आपके पास एक तरीके की स्क्रीन अपेयर हो जाएगी, वो भी हम देखेंगे कैसे होगा। यहाँ पे आप अपनी जो पिक्चर का इमेज दिख रहा होगा आपको, एक पिक्चर जैसा, इसमें आप अपने पिक्चर से भी एड ऑन कर सकते हैं जो आपके सिस्टम पे है या जो आपकी गैलरी में है, या आप कहीं से डाउनलोड भी कर सकते हैं। उसके बाद अब हम देखेंगे कि इसमें नेक्स्ट क्वेश्चंस कैसे सिलेक्ट करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन सिलेक्ट करने के लिए हमें यहाँ पर जो प्लस का साइन है वो मैंने आपको बताया था, उसे क्लिक करना है। अब देखिए मैंने आपको बताया था कि बॉक्स के अंदर मल्टीपल चॉइस करके लिखा हुआ है, यहाँ से हम शॉर्ट आंसर, पैराग्राफ, जैसे भी क्वेश्चन हमें अपने अकॉर्डिंग चूज करने हैं, बनाने हैं, सेट करने हैं, हम वैसा नोट कर सकते हैं। उसके बाद हम यहाँ पे अपने क्वेश्चंस टाइप करेंगे, जो भी आपको क्वेश्चन लगता है। आपको शॉर्ट आंसर का देना है तो आप कोई भी क्वेश्चन दे सकते हैं। जैसे मैं फॉर एग्जांपल के लिए लिख रही हूँ कि व्हाट इज़ बायोडाइवर्सिटी, बायोडाइवर्सिटी क्या होती है। यहाँ पे स्टूडेंट्स अपना टेक्स्ट का जो आंसर है वो मेंशन कर सकते हैं शॉर्ट आंसर्स के हिसाब से, जितनी लाइनें सेट होती हैं। इसको करने के बाद आप नेक्स्ट क्वेश्चन भी सिलेक्ट कर सकते हैं। जैसे यहाँ पे मैंने प्लस के साइन से वही कैसे क्वेश्चन सिलेक्ट करना है, जो प्लस का साइन है सर्कल के अंदर, इसको जैसे ही आप टैप करते हो आपके पास नेक्स्ट क्वेश्चन की स्क्रीन अपेयर हो जाएगी, जिसमें आप इसी तरीके के क्वेश्चंस के फॉर्मेट चूज़ कर सकते हैं, अलग अलग मल्टीपल चॉइस, अलग अलग चेक बॉक्स, ड्रॉप डाउन, अलग अलग। जैसे मैंने एक और कर दिया, मैं आप लोग के ईजी के लिए एक और बता देती हूँ, मैंने एक और आपके लोग के लिए रखा हुआ है। जैसे मैंने अब यहाँ पर आपका ऑप्शन लिया है, नीचे आपका ड्रॉप डाउन लिया है कि ड्रॉप डाउन में क्या होता है। मैं ड्रॉप डाउन पे जैसे ही जाके कोई क्वेश्चन सेलेक्ट करूँगी, उसमें आपका सबसे पहले मैं क्वेश्चन टाइप करूँगी। आप इसमें क्वेश्चन की नंबरिंग ज़रूर दीजिएगा, जैसे 1, 2, 3। अब मैं फर्स्ट क्वेश्चन जैसे इसका टाइप कर रही हूँ, वेयर इज़ ताजमहल लोकेटेड। यहाँ पे आप ऑप्शंस देखोगे कि आप ऑप्शंस कितने भी फीड ऑन कर सकते हो, ये आपके ऊपर है। आप 2 दे सकते हो, 4 दे सकते हो, उससे भी ज़्यादा जितना आपको सूटेबल लगता है आप अपने अकॉर्डिंग कर सकते हो। जैसे ही आप इसे कर सकते हो, आप लिखते हो आंसर जो भी आपके होते हैं, आपने ऑप्शंस दिए गए हैं आगरा मुंबई। इसके बाद अगर आपको नहीं करना है कि बस इतना ही पेपर सेट करना है, इसे ज़्यादा नहीं सेट करना है, तो आपको क्या करना होता है कि आपके पास इस तरीके की जो स्क्रीन अपेयर हो रही होती है जहाँ पे नीचे से ये नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए आता है, तो आपको कुछ ज़्यादा नहीं करना, ज़्यादा कंफ्यूज नहीं होना,
ना सिंपल सा आपको क्या करना है, इसका जो डिलीट ऑप्शन आता है यानी सबसे नीचे जो डिलीट ऑप्शन होता है उसको जाके क्लिक करना है एंड देन आपका पूरा वो जो नेक्स्ट क्वेश्चन होता है लास्ट वाला वो डिलीट हो जाता है। तरीके से आप अपने क्वेश्चन पेपर्स के क्वेश्चन शफल भी कर सकते हैं, जैसे आपको यहाँ पे 4-6 डॉटेड दिख रहे हैं उसको टच करके आप इसे स्क्रॉल ऊपर नीचे कर सकते हैं, जैसे क्वेश्चन आपको सेट करने हैं आप उस तरीके से कर सकते हो। आप इसमें हेडिंग ऐड कर सकते हो, जैसे मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था कि प्लस के उससे आप सब कुछ नोट डाउन कर सकते हो। अब इस तरीके का पेपर हमारा सेट हो चुका है, लास्ट वाले ऑप्शन को मैंने डिलीट कर दिया था, नीचे डिलीट वाला एक ऑप्शन दिख रहा होगा आपको, जैसे ताजमहल भी दिख रहा है पेस्ट के बगल में जहाँ पे डिलीट का एक ऑप्शन है जिसके बगल में रिक्वायर्ड लिखा है। अब देखिए ये आता है रिस्पांस वाला, यानी आपका पेपर सेट हो चुका है। अब आती है सेटिंग्स की बात, जब हम अपना आंसर सेट करते हैं, बिकॉज ये तो क्वेश्चन सेट हो गए लेकिन हमें अगर आंसर भी फीड ऑन करना है जिससे बच्चे को उसका करेक्ट आंसर भी पता चल जाए, उसके पॉइंट्स पता चल जाए, उसके लिए हमें इस क्विज पे जाके इसे मेक द क्विज करना होता है। जो भी हमारा सेटिंग में आप जाओगे आपके पास 3 ऑप्शन होंगे, तो आपको क्विज वाले ऑप्शन में जाना है। इस फर्स्ट वाले ऑप्शन में आप अपने रिस्पॉन्स को सिलेक्ट कर सकते हो कि वो बच्चा एक ही रिस्पॉन्स करे या 2 रिस्पॉन्स करे, उसको आप एडिट अपने हिसाब से चेंजेस कर सकते हो। ये करने के बाद जब आपका वो सेट हो जाता है तो आप हर क्वेश्चन में इनके आंसर्स फीड ऑन कर सकते हो। आप जैसे देख भी रहे होंगे कि आप क्वेश्चंस में लिखा हुआ आ रहा है नीचे से आंसर की और ब्रैकेट में इनके पॉइंट्स शो हो रहे हैं, तो आप इसमें क्या करोगे, आपको ज़्यादा कुछ नहीं करना, आपको सीधा जाना है इस आंसर की के अंदर। जैसे ही आप आंसर की को टैप करते हो तो यहाँ पे पॉइंट्स का इस तरीके से आपके डिस्प्ले हो जाएगा, पॉइंट्स आप अपने हिसाब से ऐड ऑन कीजिए, करेक्ट आंसर को टिक कीजिए और लास्ट में इस डन को ओके कर दीजिए। इससे आपके जो क्वेश्चंस हैं उनके आंसर्स और उनके जो मार्क्स हैं वो ऑटोमेटिकली जनरेट हो जाते हैं जब आप इस क्वेश्चन पेपर को फिनिश करते हैं, सबमिट करते हैं, तो आपको अपने जो आंसर्स हैं अपना स्कोर है वो आप इजीली देख सकते हैं। जैसे मैंने सेकंड में भी कर दिया है, 2 पॉइंट्स मैंने इसमें डाल दिए हैं और आगरा सेलेक्ट कर दिया है करेक्ट ऑप्शन, उसके बाद मैंने इसे भी डन कर दिया है। जैसे मैंने पहला वाला आपको बताया था कि इससे पहले जो मैंने किया था, बायोडाइवर्सिटी में आप अपने अकॉर्डिंग आंसर टाइप करके रख सकते हैं या ये आप ऑप्शनल कर सकते हैं सब्जेक्टिव पार्ट के व्यू से, और बाकी ऑब्जेक्टिव पार्ट से आप वैसे कर सकते हैं जैसे मैंने आपको बताया था। अब सबसे इम्पॉर्टेंट एक और चीज़ जो आपको मैंने बताई थी कि बतानी, एक सबसे इम्पॉर्टेंट एक और चीज़ जो मैं आपको बताती हूँ कि यहाँ पे आप एक सबसे रिक्वायर्ड ऑप्शन यानी अगर ये फिल नहीं होता है तो आपका फॉर्म सबमिट नहीं होगा। यहाँ पे नीचे आप देख रहे हैं एक रिक्वायर्ड करके आ रहा है, अगर जैसे ही आप इसे टैप करते हो तो ये इसमें क्या होता है, इसमें अगर आपने ये ऑप्शन फीड नहीं करा है तो आपका पेपर सबमिट होगा ही नहीं। वो कैसे नहीं होगा, जब हम क्वेश्चन पेपर सबमिट करेंगे तब आप लोगों को ईजिली समझ आ जाएगा। जैसे मैंने यहाँ पे क्लास मेंशन कर दी है कि कौन सी क्लास है, जब तक बच्चा ये फीड नहीं करेगा इसका आंसर वो आगे पेपर फॉरवर्ड कर ही नहीं सकता। कैसे, अभी जब हम इसको करेंगे सॉल्व तब आपको ईजिली समझ आ जाएगा कि कैसे होता है। अब हमारा क्वेश्चन पेपर भी सेट हो चुका है, हमने इसको क्विज फॉर्म में भी कर दिया है और अब हम आके देखेंगे कि हमारा जो क्वेश्चन पेपर प्रीव्यू था जो ऊपर से आई जैसा साइन होता है उसको टैप करके प्रीव्यू, अब देखिए ये रिक्वायर्ड करके शो हो रहा है आपके पास, इस तरीके का ऑप्शन आ जाएगा। जैसे यहाँ पे क्वेश्चन था हमारा फर्स्ट बायोडाइवर्सिटी, एमपी का फुल फॉर्म क्या होता है, ताजमहल क्या लोकेटेड है, ये सब हमारे, अब जैसे मैंने इसमें आंसर्स फीड कर रही हूँ, अब मैंने फुल फॉर्म ऑफ एमपी कर दिया, ठीक हो गया। यहाँ पे मैंने कुछ भी आंसर्स दे दिया, इट इज़ अ डैश जो भी होता है बायोडाइवर्सिटी, उसके बाद मेरा जो लास्ट ऑप्शन था यानी लास्ट क्वेश्चन, अब देखिए बीच में कुछ इस तरीके का लिखा आ रहा है, दिस इज़ अ रिक्वायर्ड क्वेश्चन यानी ये मस्ट है, ये आपको फिल करना ही पड़ेगा। मैंने क्लास डाल दी 7th A और अब हम चलेंगे नीचे स्क्रॉल की तरफ जो हमारा लास्ट क्वेश्चन है, वेयर इज ताजमहल लोकेटेड, हमने वो आंसर भी फीड ऑन कर दिया था उसका आंसर। अब हम देखेंगे हमारे यूनिट टेस्ट का स्कोर क्या है, ये हमारा स्कोर आ जाएगा यहाँ पे जो भी हमने रिस्पॉन्स, अगर आप चाहते हो कि आपको दोबारा सबमिट करना है तो आप इसमें दोबारा सबमिट कर सकती हो अपना टेस्ट, लेकिन अगर आप टीचर के हाथ में होती है अथॉरिटी कि उसे चेंजेस कर देंगे तो वो भी वहाँ से अपना ऑप्शंस जो होते हैं वो ऑफ कर सकते हैं कि बच्चा एक ही टेस्ट सबमिट कर सकता है, वो भी मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया।
जहाँ पे हमने जनरल सेटिंग के अंदर देखा था जो रिस्पॉन्स वाला होता है। अब इसमें आप देख सकते हो आपकी क्लास मेंशन है गई, आपका आंसर हो गया, आपके बाकी चीज़ें आ गई हैं, आपके क्वेश्चन। तो इस तरीके से आप अपना टेस्ट रिस्पॉन्ड कर सकते हो। और एडिट में जाके जो दूसरा ऑप्शन था वो स्टूडेंट अपना कर सकते हैं, लेकिन टीचर्स के पास अथॉरिटी होती है कि वो सेटिंग्स में जाके इसे चेंजेस कर सकते हैं, जिससे बच्चा एक ही बार रिस्पॉन्स सिलेक्ट करेगा, उसका दूसरा रिस्पॉन्स ऐड नहीं माना जाएगा। तो ये था हमने ईजिली जाना कैसे होता है। अब मैं आपको टीचर्स ये भी बता दूं कि रिस्पॉन्स के लिए आप कैसे ईजी करोगे। जैसे आप इसे क्लिक करोगे तो आपके पास ये रिस्पॉन्स वाला जो ऑप्शन होता है, यहाँ पे आप देखोगे एक्सेप्टिंग करोगे तो तब तक सब बच्चों के रिपोर्ट्स आएंगे। जैसे ही आप इसे ऑफ कर देते हो तो कोई भी उस फॉर्म को सबमिट नहीं कर पाएगा, कोई भी उसको फीड नहीं कर पाएगा, कोई भी उसको ओपन आएगा ही नहीं, वो ऑलरेडी लिंक एक्सपायर हो जाएगा। तो आपको उसे जब तक अपना टेस्ट वैलिड करवाना है, जब तक अपना टेस्ट बच्चों से दिलवाना है, तो आप उसको ऑन कर सकते हो इस तरीके से, एक्सेप्ट कर सकते हो रिस्पॉन्स। उसके बाद आप इसे क्लोज कर दोगे जब आपका टाइम पीरियड कंप्लीट हो जाएगा। इसमें हमारी बहुत सारे फीचर्स भी होते हैं, वो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगी। जैसे हम टाइमर सेट करते हैं कि टाइमर कैसे सेट किया जाता है, ये हमारा जो इंटरफेस है, ये जो डिस्प्ले आ रहा है, इसमें हमारा ये रिस्पॉन्स का आ रहा है जो गूगल फॉर्म के अंदर होता है, जिसमें जब भी आप अपने टेस्ट सबमिट करते हो तो यहाँ पे अपने टीचर्स आपके रिस्पॉन्स चेक कर सकते हैं, कितने रिस्पॉन्स है, आपको पूरा ग्राफ आपका शो हो जाता है कितनी गड़बड़ है। फिर उसके बाद आप इसको अपनी स्प्रेडशीट में देखोगे तो वहाँ पे स्प्रेडशीट यानी वो जो ग्रीन आइकन था, उस पर जैसे ही क्लिक करते हो तो आपके पूरे बच्चों की जितने भी अभी तक टेस्ट दिया होता है, इस तरीके की आपके पास इंटरफेस आ जाता है, इस तरीके की स्क्रीन आ जाती है, डिस्प्ले पे आ जाता है कि बच्चों ने। उसके बाद अपने इस रिपोर्ट को आप अपने स्कूल अथॉरिटीज़, अपने कोई भी अथॉरिटीज़ के पास अपनी स्प्रेडशीट फॉरवर्ड कर सकते हैं। यहाँ पर जो ये ग्रीन कलर का टैब दिख रहा है ना, इसको क्लिक करके आप स्प्रेडशीट बना सकते हैं ईजिली। और अगर आपको और ये क्वेश्चन पेपर सेंड करना, अब सबसे इंपॉर्टेंट एक और बात थी, या तो आप यहाँ पे अपने पेरेंट्स की मेल आईडीज़ वगैरह मेंशन कर दीजिए जितने भी हैं, या फिर सबसे ईजी आप इस लिंक को शॉर्टन कीजिए, कॉपी कीजिए और जिधर भी आपको डेटा फॉरवर्ड करना है आप उसे पेस्ट कर दीजिए और वो आपका ऑलरेडी क्वेश्चन पेपर चला जाता है बच्चों के पास गूगल फॉर्म की। उसमें अपने टेस्ट का नेम भी दे सकते हैं, अलग अलग फोल्डर्स बना सकते हैं। तो जैसे मैंने इसका यूनिट टेस्ट 1 दिया है तो यहाँ पे ये यूनिट टेस्ट 1 आ चुका है। इस तरीके से यहाँ पे आपका जो फर्स्ट में आप देखोगे कि मेरा जो पेपर मैंने अभी सेट करा था वो बन चुका है। इसके बगल में बहुत सारे ऑप्शंस आते हैं, टेम्पलेट गैलरी में जाके आप टेम्पलेट दे सकते हो, अलग अलग ऑप्शंस क्विज बना सकते हो, अलग अलग अपने इवैल्यूएशन कर सकते हो अपने अकॉर्डिंग, जैसे आपको इजी लगता है। जैसे यहाँ पे अलग अलग मैंने क्लासेस के सेट करे थे, यहाँ से आप अपने फॉर्म देख सकते हो, शीट्स दे सकते हो, अपनी स्प्रेडशीट जो आपने बनाई थी, अपने डॉक्यूमेंट्स हो गए, अपनी स्लाइड्स हो गई, जो भी आपने इस गूगल फॉर्म के अंदर बनाया था ये ऑलरेडी आपके ड्राइव पर सेव हो जाता है, तो आपको एक्स्ट्रा कहीं सेव करने की इसको नीड भी नहीं है। ये राइट साइड आप यहाँ से ऑप्शन दे सकते, तो यहाँ पे अलग अलग ऑप्शंस आते हैं मीट वगैरह के और जितने भी आपके फोल्डर के अंदर जो होते हैं उन सब गूगल अथॉरिटीज़ के पास। तो ये सब था हमारा कि गूगल फॉर्म कैसे सेटअप करते हैं। तो आई होप कि क्लियर हो जाएगा आपको आज की वीडियो। उम्मीद करती हूँ कि आपको वीडियो ज़रूर पसंद आई होगी और अब आप इजीली गूगल फॉर्म की मदद से अपना क्वेश्चन पेपर सेट कर सकते हैं। इस वीडियो को अपने फेलो टीचर्स, अपने कलीग्स में ज़रूर फॉरवर्ड कीजिएगा ताकि वो लोग भी अपने स्टूडेंट के असेसमेंट लेने में उन्हें कोई प्रॉब्लम ना हो, ईजिली अपना क्वेश्चन पेपर सेट कर सके। तो मिलते हूँ आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, सुरक्षित रहिए और सावधान रहिए।